गिनी, जो मैंने किया है ये हमारी दोस्ती में आखिरी गलती है। मैंने आज तक अपनी हर गलती को दोहराया है, पर ये गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं हमारी दोस्ती को इतनी आसानी से नहीं टूटने दूंगा गिनी। मुझे ध्रुव को समझना चाहिए था, उसे लड़ना नहीं चाहिए था। गिनु पुत्र, ओए की होया, पार क्यों खड़ी है? माँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही है। ओए पार खड़े रहने से नींद आ जाएगी? नहीं ना पुत्र, जा ना पुत्र अपने कमरे च जा और सुन, सोने की कोशिश कर, आप पे नींद आ जाएगी। अब अलार्म नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब से मुझे रोज गिननी उठाएगी। अब तेरी कोई जरूरत नहीं, सॉरी दोस्त। ओह गॉड, 12 बज गए। एक काम करती हूँ, 8 बजे का अलार्म लगा देती हूँ। उस इडियट को भी तो उठाना होगा, वरना सोता ही रह जाएगा। साढ़े 8 बज गए और गिनी अभी तक आई नहीं। नाराज तो नहीं है? पर सॉरी लिखकर तो भेज दिया था मैंने उसको, नाराज कैसे होएगी? कॉलेज के लिए तैयार हो रही होगी। ओ गिनू, ओ पुत्र इत्थे आए, जल्दी छेती कर। ओ तेरे पापा ना खाने का टप्पा घर ही भूल गए, तू जाना जाके जल्दी देख के आ, वो अभी नुक्कड़ तक ही पहुंचे होंगे। जा छेती कर। मां, पर ध्रुव ऊपर सो। जा ना पुत्र, जा छेती कर। और सुन गिनू, ध्यान नाल जाई। ठीक है। पापा जी। हाँ। पापा जी। ओए, आराम नाल गिर जाएगी, क्यों है? आपका टिफिन आप घर पे भूल आए थे।
ओ जल्दबाजी में टिफिन का ध्यान ही नहीं रहा। तू चल घर चल चल भाई। बाय बाय। अरे संध्या जी आप यहाँ कैसे? गिनी अरे जा कुछ मिठाई मिठाई के इंतजाम करा। आजा 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 आइए आइए ना साहब। मैं यहाँ अपनी खातिरदारी करवाने नहीं बल्कि कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ हाँ जरूरी बात करेंगे आप, लेकिन आप घर तो चलिए ना। नहीं मुझे आपसे जो जवाब चाहिए वो यही चाहिए अभी इसी वक्त। इस अंगूठी को पहचानते तो है ना आप? जी हाँ ये तो वही अंगूठी है जो कि हमने रोहित को उसकी सगाई पर दी थी। या हीरे वाली। आप लोगों ने अंगूठी को तो पहचान लिया लेकिन शायद हीरे की पहचान करना आप लोगों को अभी तक नहीं आता। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। संजय जी मैं समझाती हूँ आपको। ये अंगूठी जो आपने मेरे बेटे को सगाई में दी थी हीरे की बताकर, ये असली अंगूठी नहीं है, ये हीरा नहीं है भाई साहब। जी आप सवाल मत कीजिए भाई साहब, जवाब दीजिए। क्यों किया आपने ऐसा हमारे साथ? क्यों मजाक बनवाया हमारे रिश्तेदारों के बीच? इतना बड़ा झूठ बोला आपने। ये क्या कह रही हैं आप जी? कोई झूठ नहीं बोला हमने आपसे। पूरे 75,000 रुपए देकर के हमने ये अंगूठी खरीद दी है। मेरे बेटे ने खुद दुकान। बस कीजिए भाई साहब बस कीजिए, कितना झूठ बोलेंगे और। अभी अभी ज्वेलर के पास से आ रही हूँ मैं, देखते ही बोला कि ये अंगूठी नकली है। अरे जब आपकी हैसियत ही नहीं थी तो क्या जरूरत थी ये सब दिखावा करने की? और वैसे भी हमने आपसे मांगा ही क्या था? बहन जी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई थी भाई साहब, अब गलतफहमी दूर हो गई है। बहुत खुश थे हम इस रिश्ते के जुड़ने से, लेकिन अब हमें इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा। नहीं चाहिए हमें ऐसा रिश्ता और ऐसे रिश्तेदार। उन्होंने इस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से की है। बहन जी सुनिए एक मिनट आप। मिली थी ना रूपा के कमरे से। बेटा अगर उस कमरे में असली अंगूठी खोई थी तो फिर नकली अंगूठी कहां से आ गई? उत्तर जब तू अंगूठी लेकर आई तो तू जानती थी कि वो नकली अंगूठी थी? नहीं पापा,
मुझे नहीं पता। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, पर गड़बड़ किधर है? देख बेटा, तू अगर इस बारे में कुछ भी जानती है तो मुझसे मत छुपा। बोल, तुझे तेरे पापा की कसम है। देख बेटा, बात मेघा की शादी तक आ चुकी है, अगर तू कुछ चाहती है तो मुझे बता दे। यही खामोशी मुझे ठीक नहीं लग रही, यही खामोशी मुझे ठीक नहीं लग रही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू किसी को बचाने की कोशिश कर रही, और जिसे तू बचाने की कोशिश कर रही उधर कहीं वो ध्रुव तो नहीं?